तो आज के हमारी इस एक्सेल की ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं डेटा मेनू बार के अंदर गेट डेटा के बारे में। गेट डेटा में हम आपके साथ बात करेंगे अदर सोर्सेज में माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी के बारे में, ठीक है। जैसे कि हमने फ्रॉम फाइल समझ लिया था कि फ्रॉम फाइल से डेटा कैसे लिया जाता है, और फ्रॉम डेटाबेसिस में वही सेक्वल एसक्यूएल और एक्सेस से ले लिया जाता है डेटा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप लेके आ सकते हो। फ्रॉम अजूरे इंडिया में यूज होता नहीं है। इसके बाद फ्रॉम अदर सोर्सेस में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम वेब की वेबसाइट से डेटा लाना हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं, इसको और भी डिटेल में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, अब देखिए बहुत ही मजेदार टॉपिक है, ध्यान से रखिएगा। क्या हुआ कि मान लीजिए आपने डेटा इंपोर्ट कर रहे हो किसी और फाइल से। जैसे मैंने गेट डेटा में फ्रॉम फाइल का जिक्र किया था, हमने फ्रॉम फाइल को लिया और किसी एक डेटा को सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर दिया। अब यहां पे मैंने डेटा को सिलेक्ट करके एंड लोड कर दिया, ये लोड हो गया, राइट। और इसमें जो अगला हमारा जो मेन काम आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जो डेटा लोड तो हो गया है, ठीक है, लोड तो हो गया है, लेकिन ओवरऑल डेटा को लोड किया गया। मुझे इसमें से कोई पर्टिकुलर टॉपिक को करना, जैसे मान लीजिए कि मुझे सिर्फ ऐप का चाहिए, या मान लीजिए मुझे सिर्फ एक सिटी का चाहिए, तो ओवरऑल डेटा नहीं चाहिए, हमें एक फिल्टर डेटा चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे, तो यह हमारे पास पावर क्यूरी खुल के चली आती है। तो पावर क्वेरी के अंदर में यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं, बट इसमें दो प्रॉब्लम है। पावर क्वेरी में जो चेंज करेंगे वो मुझे हर बार पावर क्वेरी में जाके चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कोई ड्रॉप डाउन बटन सिस्टम नहीं मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें ये है कि ये जो पावर क्वेरी एडिटर है, ये लेटेस्ट एक्सेल में है, आपके 2007-13 वगैरह में अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे कैसे करें। तो पावर क्वेरी को फिलहाल यहाँ पे हम स्किप करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो चलिए हम दोबारा इस फाइल को लोड करके बताते हैं। हम यहां जाएंगे किसमें, डेटा में हम जाएंगे गेट डेटा, और गेट डेटा में हम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर हम बात करेंगे फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी। हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद, क्योंकि मैं कनेक्ट एक्सेल से कर रहा हूं, यहां पे आपका डेटाबेस भी है, एक्सेस भी है, तो और से भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमने एक्सेल फाइल को लिया और फिर यहाँ पे हमने ओके किया। ओके करने के बाद ये आपका नेविगेटर खुल के आता है कि आपकी फाइल पड़ी कहाँ है। फाइल जिस लोकेशन पे पड़ी है उस लोकेशन पे जाएं, और यहाँ फाइल के लिस्ट आएंगे, उसमें से अपने उस फाइल दीदी, को ये वाला स्टेप आप दोबारा से बता देंगे क्या? मैं सॉरी, मेरे से मिस हो गया। मैं बताता हूँ। आपको जाना है गेट डेटा में, हाँ जी, ठीक फ्रॉम अदर सोर्सेस, फ्रॉम है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, एमएस क्यूरी या हाँ माइक्रोसॉफ्ट जी, क्यूरी के नाम से आएगा, ठीक है। हाँ उस पे क्लिक कीजिए, एक्सेल फाइल को सिलेक्ट कीजिए एंड ओके जी, कीजिए। फिर यहाँ पे आपके ड्राइव के लिस्ट है और यहाँ पे आपके लोकेशंस होंगे, उस लोकेशंस के जाएंगे तो यहाँ आपको फाइल के लिस्ट, फाइल लिस्ट आपको दिखेंगे। अपना फाइल को सिलेक्ट करना है, जैसे मुझे डेटा वन डेस्कटॉप के अंदर डेटा वन चाहिए, सी ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप, उसके अंदर डेटा लिंक, समझे। इधर सी ड्राइव, इधर डेस्कटॉप, इस डेस्कटॉप के अंदर ये रहा हमारा डेटा वन, हमने ओके कर। ओके कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आपका जब आप यूज करेंगे तो इस तरह का एक मैसेज देगा, आप ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप जाए ऑप्शन में, सिस्टम टेबल, यहाँ दिख रहा है आपको सिस्टम टेबल, इस सिस्टम टेबल को सिलेक्ट करके ओके करें। तो उस फाइल के अंदर जितने भी शीट्स होंगे, ये शीट्स यहाँ पे आपको दिख जाए, उस फाइल के अंदर जितने भी शीट्स हैं वो शीट्स यहाँ आपके दिख जाए। फिर यहाँ पे आप सेलेक्ट, अब हो सकता है कि मैं पूरा फील्ड ना लू, कुछ कुछ फील्ड लू, तो यहाँ पे जो फील्ड चाहिए वो फील्ड को सिलेक्ट करें, ओवरऑल चाहिए तो ओवरऑल को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर, सर यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको फिल्टर लगाना है। मुझे मान लीजिए कि एरिया में जोन चाहिए, तो मैं एरिया को क्लिक किया और यहां से फिल्टर सेलेक्ट कर लिया, इक्वल टू हमने यहां पे लिख दिया
नॉर्थ, और भी कंडीशंस है तो और भी एंड और लगा के और भी कंडीशंस दे सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपको डेटा सॉर्टेड चाहिए तो सॉर्टेड अब आईडी के हिसाब से सॉर्टेड चाहिए, असेंडिंग डिसेंडिंग मैंने सेलेक्ट किया, देन ओके, और फिर हमने इसको फिनिश कर दिया। अभी एक मिनट, हैंग हो गया। हैंग हो गया, दो मिनट बैठ। या आ गया डेटा, और सिर्फ नॉर्थ, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि N1 के ऊपर मैं यहां पे लिखता हूं साउथ, तो साउथ का N1 की जगह M1 कर देता हूं, N1 यहां पे। तो राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाना है, आपको क्यूरी एंड कनेक्शंस यहां दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके यहां जो कनेक्शंस उसके राइट क्लिक, इसकी प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में आपको जाने हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन में आने के बाद ये देखिए यहां पे आपको SQL क्यूरी दिखेगा, जी हाँ SQL क्यूरी दिखेगा। जहां पे हमने नॉर्थ सेलेक्ट किया था उस नॉर्थ वाले लोकेशन पे चले जाइए और यहां पे उस नॉर्थ को कर दीजिए डिलीट और उसके जगह पे दे दीजिए क्वेश्चन मार्क। हमने नॉर्थ जो हमने सेलेक्ट किया था फिल्टर उसको जाके हमने डिलीट कर दिया, उसके जगह पे हमने दे दिया क्वेश्चन मार्क, देन ओके। एंड पैरामीटर्स को सिलेक्ट करेंगे, यूज दिस रेफरेंस फ्यूचर फ्रेश रिफ्रेश ऑटोमेटिकली व्हेन वैल्यू चेंज, इन दोनों पे मैंने क्लिक कर लिया एंड ओके कर लिया। अब देखिए डेटा आपका साउथ का आ गया। अभी पे मैं अगर मान लीजिए ईस्ट का कर दूं तो ईस्ट का आ जाएगा, नॉर्थ कर दूं नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ से स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, ठीक है सर। हाँ जी समझ में आया। तो इस तरह सर अभी जो हमने चेंज किया था SQL की क्यूरी, तो जी जी आप ये वाला डेटा भेज देना प्लीज एक बारी। जी हाँ मैं भेज देता हूँ अभी जी। ठीक है मिलिंद जी। हाँ सर।